कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जी हां गाइस, आप अपने डिवाइस के अंदर इन फिंगर लॉक लगा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है, और ये प्रैंक वाली एप्लीकेशन नहीं है कि मैं लास्ट में बोलने वाला हूँ ये प्रैंक था, आप जो कर सकते हो अपने फ्रेंड वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये एक्चुअली में वर्क करता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे इस एप्लीकेशन का आपको यूज करना है और आपको किस किस बातों का ध्यान देना है जिससे ये जो प्रॉपर वर्क करे। तो चलो गाइस, हम देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है एंड आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। और गाइस, जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ये एप्लीकेशन आई होप कि आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए और इजिली हो जाएगी, आई थिंक होगी मे बी शायद। तो चलो हम दिखाते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, और अगर कोई दिक्कत होती है इसे इंस्टॉल करने में तो आप जो कमेंट सेक्शन है कमेंट करके बताना। काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं होता हमारे डिवाइस के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसा कि गाइस यहाँ पर हमारा डिवाइस है, इसके अंदर आपको जाना है, वीवो थीम नाम की एक एप्लीकेशन होती है उसे डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो फोन पे के जस्ट साइड में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी ये वीवो थीम्स। आपको इसके अंदर काफी थीम्स भी मिल जाते हैं जो फ्री होते हैं, आप इनको फ्री में थीम्स की इस्तेमाल कर सकते हो, थीम के लिए भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जो है इसके अंदर इन फिंगर लॉक लगाओगे। अभी सब बोलोगे कि सर ये तो थीम्स का एप्लीकेशन है तो इसके अंदर इन फिंगर लॉक कैसे लगेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। जैसे इसको ओपन करो, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना। इसका यूज इंटरफेस काफी इजी है, इसकी डाउनलोडिंग भी गाइस काफी अच्छी है, रेटिंग्स वगैरह ठीक है इसकी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ आने के बाद गाइस आपको देख सकते हो काफी थीम्स मिल रहे हैं। अगर थीम्स इंस्टॉल करनी है तो कैटेगरीज मिल जाती है काफी सारी थीम्स की। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर OS 11 फंटाजियस ओल्ड थीम्स और स्टिकर थीम्स भी इसके अंदर मिल जाती है, तो आप इन थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो इजीली अगर चाहो तो थीम्स के लिए। लेकिन हमें करना है इन फिंगर लॉक, तो इसके लिए आपको सर्च बार के आइकन पे आना है। सर्च बार पे यहाँ पर टाइप करना है ओरिजिन, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं ओरिजिन, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं गाइस ओरिजिन। इसके बाद इसको सर्च कर देना। अभी यहाँ पर अराउंड 8 ऐसी थीम्स आएंगे जो आपको शो होगी, ये ओरिजिन से रिलेटेड होगी, तो यह नीचे आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हो दो थीम्स मिल रही है, एक आपको ओरिजिन OS मिल रहा है, एक ओरिजिन OS V2 मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को डाउनलोड करना है। लास्ट वाले को आपको डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि इसके ही अंदर आपको बाय डिफॉल्ट थीम्स के अंदर ये मिल जाता है फिंगर सेंसर, जिससे आपका जो फिंगर लॉक लगेगा। तो सिंपली इसको क्लिक करें एंड कुछ एड्स वगैरह आती है, तो एड्स को आपको इसे वॉच कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन वगैरह होती है पैसे एड्स से ही कमाती है, इसलिए सारी चीज़ें फ्री होती है, थीम्स भी फ्री तभी मिलती है। जैसे इसको हम कट करेंगे, डाउनलोड इसको हम करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब इसकी जो थीम्स की साइज है वो काफी बड़ी है, अराउंड 25 MB के आसपास है, तो हमने डाउनलोड पे लगा दिया। नेट थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी डाउनलोड हो जाना, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कैसा है उसी हिसाब से टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगा इजिली। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। दोबारा से एड्स आ रही, हम एड्स को करेंगे क्लोज। इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। जस्ट हमने एड को कट किया, क्लोज वीडियो। इसके बाद चेंज सिम पे हमें क्लिक करना है, जस्ट चेंज सिम पे क्लिक किया हमने। अभी हमें रीडायरेक्ट कर दिया हमारे आई थीम एप्लीकेशन के अंदर, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहाँ से हम थीम्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं उसके अंदर गाइस हम आ चुके हैं। अब इस पेज को प्रॉपर लोड होने देना, तभी आपको आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। जब तक पेज प्रॉपर लोड नहीं हो जाता आपको कोई भी आगे प्रोसीजर नहीं करना है। तो पेज हमारा लोड हो चुका, अब लोकल वाले पे क्लिक करना है। जस्ट लोकल पे हमने क्लिक किया। अभी गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लोकल थीम्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसे प्रेस करना है। जस्ट इस पर क्लिक करें एंड गाइस आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। वैसे तो मोस्टली काफी डिवाइसों में आपको ऊपर ही डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे मिल रहा है, तो आपको इसे अप्लाई करना होगा अपने डिवाइस के अंदर। जस्ट इस पर क्लिक करो, देन गाइस इसे अप्लाई कर दो। अप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया, अप्लाइंग हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन फिंगर लॉक कैसे वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे पहले इसे अप्लाई करने के बाद, इसका यूज करने से पहले आप अपने फोन के जितने भी पासवर्ड हो सबको रिमूव करना होगा। सबको आप रिमूव कर दीजिए, नन करके रखिए या फिर स्वाइप वाला पासवर्ड लगा लीजिए, तभी ये वर्क करेगा एप्लीकेशन प्रॉपर। जैसे कि मेरे फोन में अभी हो चुका थीम। अब मैं इसके पावर को ऑफ करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये सेंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको कहीं टच करते हैं, देख सकते हो ये डबल टैप हमारा ऑन है इसलिए पावर ऑफ हो जा रहा है, तो ये जो है ओपन नहीं हो रहा। लेकिन गाइस अगर हम इस वाले स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जैसे कि इस पे, तो ये ओपन कर दे रहा है। एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि आपके फोन के अंदर कोई पासवर्ड नहीं है, तो ये जो इनबिल्ड है इस एप्लीकेशन के थीम्स के अंदर, तो ये थीम्स के अंदर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फोन अनब्लॉक हो जा रहा है इजीली। लेकिन गाइस अगर आप इस तरह से करते हैं, इसके अलावा कहीं और टच करते हैं, तो ये जो है अनब्लॉक नहीं होगा। अनलॉक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंसर बना है इसमें, जैसे आप क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल में क्लिक करता हूँ, तो ये फोन इजिली अनलॉक हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इजिली अनलॉक हो रहा है, प्रॉपर वर्क भी कर रहा है।
तो एक बार इसका ट्राई करना गाइस, एप्लीकेशन काफी अच्छा है और आप फ्रेंड सर्कल वगैरह में कर सकते हो इसका यूज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सभी फिंगर से वर्क कर जाता है, किसी भी फिंगर से आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन आप अगर दिखाना चाहते हो, स्वैप करना चाहते हो, तो आप इसको यूज करके कर सकते हो। सो आई होप गाइस सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, आप इजीली अपने फोन के अंदर इन फिंगर लॉक लगा पाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। इवन गाइस इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो भी कर लेना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।